दुर्गाष्टमी का पावन पर्व महागौरी के पूजन अर्चन और वंदन का सच्ची महोत्सव सा लगता है। गंगा के तट पर परमात्मा के तन ऋषिकेश में जब भी यहाँ बैठे हैं लोग झूमते हैं, लगता है कि माँ हम सबके भीतर उतर गई है। इतना प्यारा लगता है यहाँ। और आज इतना प्यारा संयोग है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और दुर्गा अष्टमी भी है। आज शक्ति और सशक्तिकरण के उत्सव का संगम पर्व है। परंपरा के अनुसार आज के दिन देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके उन्हें हम जिमाते हैं। शुरू से ही कन्या को शक्ति का ही तो स्वरूप माना है ना, इसलिए पहले दिन से ही वो सम्मान हमारी आंखों में, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में समा जाता है। इसलिए दुर्गा अष्टमी का ये पावन पर्व हमें बताता है कि नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण समाज की प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सम्मान तो करें लेकिन उनको सशक्त भी करें। आइए परी सी इन प्यारी कन्याओं को जिमाने के साथ साथ उन्हें जमाएं भी, मतलब अपने पैरों पर भी खड़ा करें, उन्हें शिक्षित करें, उनके सपनों को उड़ान दें। ये प्यारी सी परियां आपको मालूम नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाती हैं। देखा नहीं कल्पना चावला को, देखा नहीं देश की अन्य बेटियों को, कहां नहीं है वो, आज तो सब जगह हैं। और बेटियां हैं तो हम हैं, शक्ति है तो सृष्टि है। इसलिए बेटियों को स्वयं में सशक्त और समर्थ बनाने का मतलब हम अपनी दुनिया को भी सशक्त और समर्थ बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम सशक्त बना रहे हैं। ये प्रेरणा उन सब के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। इसलिए बेटियों को शिक्षा और संसाधन देकर हम उन्हें फलने और फूलने का अवसर दें। सच्ची बात कहूँ मैं, इससे माँ दुर्गा भी प्रसन्न होंगी और हमारी बेटियाँ भी सफल और सशक्त बनेंगी। पूजा के साथ साथ आइए आज के दिन एक पेड़ बेटी के नाम, पेड़ तो लगाएं पर लगा भी रहे इसका भी संकल्प लें। इससे पर्यावरण भी बचेगा और परंपरा भी बचेगी। जय शक्ति, जय भारत।